सर क्वेश्चन यही है कि स्टार के पैटर्न पेंट करवा दिए थे। नहीं, स्टार पैटर्न इसमें यूजफुल नहीं रहेगा इस एग्जांपल में। इसमें हम एग्जांपल देते हैं वही कैलकुलेटर वाला। ट्राई करा था कैलकुलेटर वाला? सर स्टार पैटर्न में क्या फॉर लूप ही होता है केवल? स्टार पैटर्न में फॉर लूप ही होता है मेनली। उसके उधर वाइल और डू वाइल का पर्पज ही नहीं है कोई। उधर कोई सेंस नहीं बनता वाइल और डू वाइल का। वाइल और डू वाइल का सेंस वहां बनता है, अगर तुम नोट्स देखोगे पुराने, वाइल और डू वाइल का लूप वहां बनता है जहां हमें पहले से आइट्रेशन नहीं पता कि हमें कितने आइट्रेशन लेने। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। ठीक है, अभी मैंने यूजर इनपुट नहीं बताया ना तुम्हें, पहले बता रखा है लेकिन मैंने, है ना। अभी रखता है चलो, अब इसमें वाइल और डू वाइल का लूप का एग्जाम्पल ठीक है, डू टू का टेबल प्रिंट करा देते हैं अभी के लिए ना। टू क्रिएट अ टेबल ऑफ टू। ठीक है, अब सेम चीज देखना, उसमें भी होगी आपकी फॉर लूप में भी सेम, वाइल लूप में भी सेम, डू वाइल लूप में भी। ठीक है, डिफरेंस मैंने बता रखा है फिर भी दोबारा से बताते हैं। क्लास जावा ठीक है, पहले देखते हैं फॉर लूप से, सेम चीज देखते हैं हमें क्या करना है। टू का टेबल प्रिंट कराना है फॉर लूप से, देखते हैं फॉर लूप से बताओ क्या होगा। इंट आई इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने ले लिया 1, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, टू का टेबल प्रिंट करा देंगे। ठीक है, फॉर लूप से हो गया, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब सेम चीज हम किससे करेंगे, वाइल लूप से। देखो वाइल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इधर आपकी क्या आती है कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आता है, इसके अंदर आपका क्या आता है कोड। ठीक है, कोड हम यही सेम लेंगे और कंडीशन आपकी ये थी जो। ठीक है, और ऊपर हमने कर दिया इसको इनिशियलाइज, और ये आ गया आपका इंक्रीमेंट। क्लियर है, सेम चीज है। वाइल लूप में आप क्या क्या होता है, जो इनिशियल पार्ट होता है, जो जब हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा वाइल लूप के बाहर आ जाता है, सेकंड पार्ट जो होता है इसका वो कंडीशन में ऐड हो जाता है, और जो थर्ड पार्ट होता है वो कोड में, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज काम करेगी इसके अंदर भी। इसका सर यही सिंटेक्स है जिस तरीके से आपने लिखा। बिल्कुल बिल्कुल यही सिंटेक्स है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर होते जाएंगे सारे डाउट्स। मैंने ये सारे दिए थे, ये करे थे पैटर्न प्रिंटिंग वाले फॉर लूप से, यस सर सारे कर लिए, मेरे को फाइल शेयर करना अभी। ठीक है, अब आते हैं वाइल लूप के बाद, डू वाइल लूप में। मैंने आपको बताया था डू वाइल लूप क्या करता है, पहले आपका कोड एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, डू और इसके बाद वाइल। वाइल में आपकी क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या है आपकी, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10। कोड क्या है आपका, ये कोड है आपका। ठीक है, और आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट कौन सा है आपका, ये है आपका। ठीक है, ए एक 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 एक, अच्छा इनिशियलाइज हमने इधर कर ही दिया है तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, री इनिशियलाइज रीसेट कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपका कोड पहले चलेगा फिर उसके बाद आपकी कंडीशन चेक करेगा। चला के देखते हैं, देखो फॉर लूप में भी आपका सेम आउटपुट आया। देखो एक बार, ये आपका आउटपुट किसका है, ये फॉर लूप का आउटपुट है, ये आपका फॉर लूप का आउटपुट है। ठीक है, और ये आपका वाइल लूप का आउटपुट है। कंपाइल एंड रन,
ये आपका फॉर लूप का आउटपुट है, सेम है आउटपुट, ये आपका वाइल लूप का आउटपुट है और ये आपका डू वाइल लूप का आउटपुट है, ठीक है। सेम चीज काम करिए तीनों में, आपके काम करने का तरीका डिफरेंट है। क्लियर है ये? क्लियर है सर, क्लियर है। वाइल लूप और डू वाइल लूप और फॉर लूप, तीनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ, माइंड में डाल लो। फॉर लूप क्या होता है, वहाँ यूज होता है मेनली जहाँ पे हमें पता है कि आइट्रेशन कितनी बार चलेगा, ठीक है, ये जो आइट्रेशन है कितनी बार चलना है, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप के अंदर क्या है कि जैसे ये आई की वैल्यू है, ठीक है, आई प्लस प्लस हमने इधर ही कर दिया है, ठीक है। इसमें फॉर लूप में देखो, हमें पता है कि हर बार एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन वाइल लूप और डू वाइल लूप में आप देखोगे तो आई प्लस प्लस इधर हो रहा है। आपके कोड के अंदर लॉजिक हो सकता है, आप उसमें दो बार आई प्लस प्लस कर सकते हो, तीन बार कर सकते हो, वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका वाइल लूप चलता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज मैं आई की वैल्यू को ही प्रिंट कराता हूँ दोनों केसेस में, अभी इसको कमेंट कर देता हूँ, वाइल लूप को देखते हैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, इधर कंडीशन ले ली, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में मैं क्या करा रहा हूँ, आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू। अब इस कोड में आप देखोगे ये जो कोड है आपका क्या है, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई टू से, तो आपका क्या होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 20 है, ट्रू हुआ तो अंदर आया, इसने क्या कर दिया, टू प्रिंट कर दिया। फिर आपने क्या करा, आई में टू प्लस ऐड कर दिया, तो आपका अगली बार आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसमें आप देखो हमने फॉर लूप के अंदर क्या कर रखा था, टू का मल्टीप्लाई कर रखा था, लेकिन जो लूप चल रहा था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा था, लूप क्या चल रहा था आपका इसमें 1 से लेकर 10 तक एक एक नंबर के इंक्रीमेंट पे। वाइल लूप में हमने क्या करा, जो आपका वैल्यू में जो इंक्रीज हो रहा है हमेशा टू वैल्यू का इंक्रीज हो रहा है, पहले आई 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें पहले से नहीं पता है कि हमें क्या इसके अंदर लॉजिक लगाना है, और कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें हमें लेट सपोज की वैल्यू को ज्यादा मॉडिफाई करना हो। सिनेरियो बता दें, लेट सपोज कि आपको जब कभी भी इसके अंदर 4 आए तो आपको क्या करना है, 4 की जगह पे आपको क्या करना है, 4 की जगह पे आपको 6 प्रिंट कराना है। तो क्या आ गया, जैसे इफ I इज इक्वल्स टू 4, तो आपने क्या कर दिया, इसके अंदर इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे कोड करूंगा मैं। अब इसमें आपने क्या करा, आपने क्या करा, इसमें I अगर 4 आएगा तो आपने क्या करा, I इज इक्वल्स टू I प्लस 2 कर दिया, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करा, एल्स आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये एक केस बन गया कि जहाँ पे आपको कोई कंडीशन लगाने, जिसके अंदर की अगर कोई केस बनता है तो उस केस में आपकी वैल्यू को डिफरेंट वे में मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो आपका ये एक थोड़ा सा डिफरेंट केस बन गया, तो ऐसे सिनेरियोज आएंगे, अभी इसको और थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखेंगे तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। मतलब वाइल लूप का आप समझो कि आपको पता नहीं है कि भाई कितनी बार लूप अंदर चलेगा, समझ रहे हो, वहाँ आपका वाइल लूप यूज होता है। यस सर, कुछ कुछ आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा लेकिन कुछ कुछ समझ में आया। वाइल लूप में पता नहीं रहता है कितनी बार लूप चलता है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ऊप से स्टार्ट करने से पहले यूजर इनपुट ले लेते हैं ताकि आप इसको और डिटेल में कर पाओ, मेरे हिसाब से, क्या कहते हो दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।